नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर एक शख्स ने माला पहनाने के बहाने हमला कर दिया। देखिए, आपने देखा, एक शख्स ने कन्हैया कुमार पर थप्पड़ चलाए। कन्हैया कुमार की टीम का आरोप है कि इस हमले के पीछे बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का हाथ है। हमलावर मनोज तिवारी के करीबी हैं। इस घटना की सूचना आपकी पार्षद छाया शर्मा ने पुलिस को दी थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें शुक्रवार की शाम 7 बजे घटना की कॉल मिली। इसमें बताया गया कि घटना 4th पुश्ता स्वामी सर्वमणीय भवन आप दफ्तर की है। इस जगह पर कन्हैया कुमार एक मीटिंग में शामिल हुए थे। छाया शर्मा इस मीटिंग की आयोजित थी। इस मीटिंग के बाद छाया शर्मा कन्हैया कुमार को छोड़ने आई थी। इसी दौरान कुछ लोग आए और कन्हैया कुमार को माला पहनाने लगे। माला पहनाने के बाद कुछ लोगों ने कन्हैया कुमार पर इंक फेंका और उन पर हमले की कोशिश की। जब छाया ने बीच बचाव की कोशिश की तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और धमकी दी गई। मामले की जांच जारी है। पप्पू यादव ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा, कन्हैया कुमार जी पर दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान हमला कर बीजेपी ने अपने कब्र खोद ली है। यह अत्यंत दुख और शर्मनाक है। दिल्ली की महान जनता 7 सीटों पर अब बीजेपी की जमानत जब्त कर जोरदार जवाब देगी। बता दें कि कांग्रेस नेता रितु चौधरी ने एक्स पर लिखा, खबरें आ रही हैं कि मनोज तिवारी और भाजपा के कुछ पालतू गुंडों ने हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ हिंसा किए हैं। हार के डर से बौखलाए भाजपाइयों ने ये कार्य करवाया है। दिल्ली की जनता इसका जवाब जल्द देगी। जिस प्रकार से कन्हैया कुमार पर ये जो हमला हुआ है, ऐसे में क्या जो बयान सामने आ रहे हैं कि बीजेपी की ओर से ये हमला कराया गया, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9।